कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा रहा है। ऐसे में भारत में भी कोरोना के इस नए रूप के सामने कुछ गलतियां करने का अंजाम जानलेवा हो सकता है। दरअसल कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट से बचने के लिए कोविड वैक्सीन ही काफी नहीं है, इसलिए कोरोना के वायरस से पूरी तरह से बचाव करने के लिए आपको सभी जरूरी एहतियात हर हाल में बरतने चाहिए। संभल जाइए वरना कोरोना वायरस प्रकोप के बीच कुछ गलतियां करना बहुत ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपने समय रहते इन गलतियों को करने से परहेज नहीं किया तो कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज भी आपको कोरोना के इस नए वेरिएंट से नहीं बचा पाएगी। हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लगवा चुके बहुत से लोग ओमिक्रॉन BF7 से संक्रमित हो रहे हैं। गलत फहमी से बचें। दरअसल पिछले साल के अनुभवों के आधार पर कुछ लोगों को लग सकता है कि बूस्टर डोज लगवाने के बाद ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट उन्हें ज्यादा से ज्यादा हल्की खांसी जुकाम बुखार दे सकता है, लेकिन ये समझना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चीन में जरूरी एहतियात न बरतने पर बूस्टर डोज ले चुके लोगों के लिए कोरोना वायरस जानलेवा साबित हो चुका है। ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क बहुत जरूरी है। वहीं तबीयत खराब होने पर या कोरोना के लक्षण होने पर घर में भी अच्छी क्वालिटी वाला N95 मास्क पहने और फौरन अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।